The Citizenship Amendment Bill 2019, as reported by Joint Committee. Honorable Minister. Speaker, I rise to move that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 be taken into consideration. Yes. कुछ बोलना चाहेंगे बिल के बारे में अध्यक्ष महोदय आपको बोलने का समय मिलेगा बैठिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है यहाँ इस सदन में भी टेबल किया जा चुका है आप बोलो ना बैठिए कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सारे देश के कई भागों में जाकर जो समाज के कई स्टेक होल्डर्स हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है सरकारी अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है और साथ ही सिविल सोसाइटीज के साथ मीटिंग की है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई है और इतना ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो माइग्रेंट्स हैं इन लोगों के साथ भी विचार विमर्श किया है और यह सारा विचार विमर्श करने के बाद अध्यक्ष महोदय बहुत एक वेल रीजन्ड और वेल रिसर्च्ड रिपोर्ट तैयार करके यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यहाँ इस सदन को टेबल में टेबल किया है और उन्होंने संशोधन विधेयक 2016 में कुछ परिवर्तन भी किए मुझे पूरा विश्वास है कि संशोधित विधेयक के से तीन पड़ोसी देशों के 6 आइडेंटिफाइड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के इलिजिबल जो माइग्रेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने में जो अब तक बाधाएं आ रही थीं उन बाधाओं को दूर करने का एक उपाय ढूंढ लिया गया अध्यक्ष महोदय इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे तीन पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के माइग्रेंट्स की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निवारण करना ये अब ऐसे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति राष्ट्र और समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से भेदभाव और उपेक्षा की जाती है उन्हें बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से भी अध्यक्ष महोदय उन्हें बराबर रोका जाता है मैं यह भी कह सकता हूँ कि यद्यपि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान सरकार इन अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है लेकिन इन देशों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विगत वर्षों में हिंसा के शिकार हुए हैं इन आइडेंटिफाइड अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारत के अलावा कहीं और आश्रय लेने अथवा अस्थायी रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं है अध्यक्ष महोदय इसलिए हमारी सरकार ने इन समुदायों के माइग्रेंट्स को प्यूनिटिव लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए 2015 और 2016 में ही आदेश जारी कर दिए थे हमने भारत में आने और यहां लंबे समय तक उनके स्टे करने को भी रेगुलेट किया उन्हें भारत में लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करने के लिए भी इलिजिबल बनाया गया है इन परिवर्तनों के बावजूद अध्यक्ष महोदय यह सारे अल्पसंख्यक लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिटीजनशिप लॉ के अंतर्गत इलीगल माइग्रेंट माना जाता है आज इस संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के बाद ऐसे माइग्रेंट सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उनके आवेदन पर जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अनुसार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकता प्रदान करने का भी निर्णय कर लेगी हम इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मामले में आवश्यक मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड को भी मौजूदा जो पहले 12 वर्ष था उसको घटाकर 7 वर्ष करने का भी प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि वे बिना लंबी अवधि तक इंतजार किए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके अध्यक्ष महोदय मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक गलत जानकारियां और गलत फहमी सारे देश भर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है
जिसके कारण असम और देश के कुछ अन्य भागों में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है, यह केवल असम के लोगों के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज पर भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे तरफ से बोला जाएगा ना, तब इसके पीछे सोच यह है, बोलेंगे ना आपकी तरफ से, बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे सोच यह है कि उत्पीड़न के शिकार बोलने वाले ऐसे माइग्रेंट का नाम है बोलने उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट देश में कहीं भी हैं, वहां भारतीय नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वह रह सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी। असम का बर्डन, मैं दोहराना चाहता हूं विशेष बल देकर इस वाक्य पर अध्यक्ष महोदय, कि असम का बर्डन यह पूरे देश का बर्डन है, केवल असम का बर्डन नहीं है। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वह कदम केंद्र सरकार उठाएगी। हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से इलीगल माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 75 से लेकर 85 के दौरान एक आंदोलन भी अध्यक्ष महोदय वहां पर छिड़ा था। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर भी, जिसे असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उस पर भी हस्ताक्षर हुए थे। तत्पश्चात असम एकॉर्ड के प्रमुख प्रोविजंस को शामिल करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स में भी संशोधन उस समय किया गया था, जिसके अनुसार एनआरसी को अपडेट किया जाना था। असम में अध्यक्ष महोदय एक ऐसी धारणा है कि असम समझौते को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बड़ी धीमी गति से चल रही एनआरसी के एक्सरसाइज को हमने टाइम बाउंड ढंग से लागू किया है और 30/7/2018 को अध्यक्ष महोदय कंप्लीट ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है और कंप्लेंट्स और ऑब्जेक्शंस भी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी 31 दिसंबर 2018 को पूरी कर ली गई है। हम इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने ड्राफ्ट एनआरसी के प्रकाशित होने के बाद 30 जुलाई 2018 को इस सदन को मैंने बताया था कि किसी भारतीय नागरिक को एनआरसी में एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एनआरसी में अपना नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को अपना दावा साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। एनआरसी के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के बाद भी यदि कुछ लोग छूट जाते हैं तो ऐसे छूटे हुए लोगों के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल तथा कोर्ट में जाने के उपाय भी अध्यक्ष महोदय उपलब्ध हैं। सरकार ने एनआरसी की कार्रवाई बहुत ही ऑब्जेक्टिव तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से की है। इस प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। असम समझौते का एक दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है क्लॉज 6। जिस क्लॉज 6 को लेकर असम वासियों के अंदर एक लंबे समय से असंतोष यह बना हुआ था। इस संबंध में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि असम समझौते का जो यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पिलर क्लॉज 6 है, तो क्लॉज 6 में यह उल्लेख किया गया है कि असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व एवं प्रमोट करने के लिए उचित
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स भी लिए जाएंगे, परंतु पिछले 35 वर्षों में ऐसा कुछ खास नहीं किया गया। हमारी सरकार असमीज पीपुल की कल्चरल सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एवं हेरिटेज को प्रोटेक्ट प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय कमिटेड है। इसी उद्देश्य से कैबिनेट ने 2 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड सजेस्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी अप्रूवल दिया है। एमएचए ने 5 जनवरी को कमेटी के गठन की नोटिफिकेशन भी कर दी है। इस कमेटी को एक ब्रॉड मैंडेट भी दिया गया है। इसके चेयरमैन एवं जो मेंबर्स हैं वह असम की गहरी जानकारी रखने वाले वहां के विद्वान हैं, वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह कमेटी सभी ही स्टेक होल्डरों से परामर्श करके असम विधानसभा तथा लोकल बॉडीज में सीटों के आरक्षण, असम के लोगों के लिए राज्य सरकारों में नौकरियों में भी आरक्षण, असमी तथा असम के लोगों की अन्य स्थानीय भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को संरक्षण तथा बढ़ावा देने के उपायों सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिकमेंडेशन 6 माह के अंदर देगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमएचए और राज्य सरकार इस समिति को जो भी आवश्यक होगा हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। अध्यक्ष महोदय, असम की 6 कम्युनिटी कोच राजवंशी, सूटिया, मोरन, मोटक, टाई अहोम तथा टी ट्राइब्स को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रही हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 29 फरवरी 2016 को एक कमेटी का गठन किया था और मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने 29 12 2018 को अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिकमेंडेशंस भी प्राप्त कर ली है। हमारी सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके लिए संविधान संशोधन के लिए बिल संसद में ले आएगी। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं इन 6 कम्युनिटीज को ट्राइब का स्टेटस देते समय यह इंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट, राइट एवं प्रिविलेजेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए असम की राज्य सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजन करने के लिए भी कहा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर बोडो कमेटी की भी चर्चा करना चाहता हूँ। हम बोडो कम्युनिटी की लंबित मांगों के बारे में भी चिंतित ही नहीं है, बल्कि हम बोडो कम्युनिटीज की जो लंबी मांगे हैं उनको पूरा करने के प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड है। वर्ष 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था उसके बाद संविधान की 6 अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी तथा काउंसिल के विभिन्न एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स भी दिए गए थे। इसके बावजूद विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होते रहे हैं और लगातार यह सिलसिला कई वर्षों से चलता रहा है। हम हिल एरियाज में रहने वाले बोडो, कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्बी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई जल्द ही करेंगे। यह भी मैं समय को आश्वस्त करना चाहता हूँ।
साथ ही सिक्स शेड्यूल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, यह भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अलावा भी कुछ और भी निर्णय लिए गए। मैं जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय इस सदन को कि कैबिनेट ने 2 जनवरी को ही यह निर्णय लिया है कि कल्चर मिनिस्ट्री तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की एवं भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। एक बोडो म्यूजियम भी बनाया जाएगा, बोडो संग्रहालय एवं भाषा तथा सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूद जो आकाशवाणी का केंद्र है और दूरदर्शन का केंद्र, उसका मॉडर्नाइजेशन भी करेगा। और रेल मंत्रालय GTAD से गुजरने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम अरुणाई एक्सप्रेस करेगा, जिसकी भी मांग बोडो कमिटी के द्वारा की जाती रही है। अध्यक्ष महोदय, असम में विभिन्न संगठनों द्वारा कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए। इसमें असम में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने हेतु एक न्यू लैंड पॉलिसी, न्यू लैंड लॉज तथा स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू एरिया के रूप में एयरमार्क करना भी यह शामिल है। असम की राज्य सरकार ने इन मामलों को एड्रेस करना तथा इंडिजिनस लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस और उनकी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स के रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के लिए कहा गया है। इस प्रकार हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ साथ कई लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर अध्यक्ष महोदय हमारे मंत्रालय ने दिए हैं। मैं इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो जैसा सूचित किया गया है, उस आधार पर यह नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर वह विचार करें तथा यह भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा इसे पारित भी करें। धन्यवाद।